नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बेटर आइडिया में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप तारबंदी योजना का पैसा कैसे चेक कर सकते हैं और साथ में आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट किया गया या अप्रूवल हुआ है या अभी तक पेंडिंग है, आप इसकी डिटेल कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे मोबाइल फोन से। तो आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताएंगे, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपने तारबंदी योजना के लिए आवेदन फॉर्म भर दिया है तो आप तारबंदी योजना का पैसा चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए राज किसान पोर्टल की वेबसाइट पे आना है। आपको इस पोर्टल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको इस लिंक के थ्रू आ जाना है वेबसाइट पे। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे पोर्टल का होम पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको किसान का लिंक दिखाई देगा। इसके नीचे आपको यहाँ पे सभी विभाग की जो अलग अलग योजनाएं हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपको कृषि विभाग के नीचे आपको योजनाओं के नाम मिलेंगे, जिसमें से आपको खेतों की तारबंदी के लिंक पे जाना है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे तारबंदी योजना से जुड़ी जो जानकारी है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करके लिंक पे जाना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे लास्ट में आवेदन की स्थिति जांच का लिंक दिखाई देगा, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सिलेक्ट टाइप में आपको यहाँ पे सब्सिडी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको योजना का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों, आपको तारबंदी योजना का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो आवेदन क्रमांक संख्या यानी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये एप्लीकेशन नंबर दोस्तों, अगर आपने ई मित्र से फॉर्म भरवाया है तो यहाँ पे आपको प्रिंट आउट दिया है उसमें लिखा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो भी आपको ये एप्लीकेशन नंबर मिला है, इससे आप अपने आवेदन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने आगे का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका आवेदन फॉर्म अप्रूवल हुआ या रिजेक्ट हुआ है और आपके कौन से बैंक खाते में पैसा भेजा गया है, इसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तारबंदी का पैसा मिलने से पहले 7 स्टेप है वो पूरे होते हैं। इसके बाद आपको तारबंदी योजना का पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपका आवेदन फॉर्म है वो सबमिट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट की जो सिक्योरिटी है उसकी जाँच की जाएगी, फिर वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद जो विभाग से अन्य जो जानकारी है वो चेक की जाएगी। इसके बाद आपके बैंक खाते में पैसा है वो भेज दिया जाएगा और आप इस तरह से तारबंदी योजना का कभी भी पैसा आप चेक कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे मोबाइल फोन से। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आने वाले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।